हेलो पीपल, मैं हूं चेतना एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो थोड़े दिन पहले मैंने आपको बताया था कि मैं दरबारगढ़ गई थी कुछ शॉपिंग करने के लिए राखी से पहले। तो उस दिन मैंने इतना इलेबोरेट वे में नहीं बताया था कि मैंने क्या क्या लिया है और क्या नहीं लिया था। तो मैंने बहुत कुछ वहाँ पे ट्राई किया था जो बाद में अल्टीमेटली मुझे पसंद नहीं आया था। फिर मैं उसमें से कुछ चीज़ें लेके आई और फिर कुछ मैंने वापस बाद में रिटर्न भी किया था, क्योंकि मुझे बाद में ऐसा लगा कि मुझे वो फिट नहीं हो रहा या पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि वहाँ पे इतनी रश थी कि मैंने ज़्यादा कुछ वहाँ पे ट्राई ही नहीं किया था। सो दैट्स वाई। तो मेरा फर्स्ट परचेज जो था, विच वॉज वेरी अफोर्डेबल, ये एक फर्स्ट परचेज था। आई थिंक आई गॉट दिस फॉर 50 रुपीज, दो के लिए मैंने 50 रुपीज पे किया था फॉर दिस एंड दिस। सी एंड द क्वालिटी इज नॉट दैट स्टर्डी, मीन्स कि इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है, बट लुक वाइज अगर आप देख रहे हो तो विच इज वेरी परफेक्ट फॉर ₹50। इफ यू आर गेटिंग टू देन इट्स वेरी गुड। फिर मेरी सेकेंड परचेज थी दिस ब्यूटिफुल झुमका। दिस आई गॉट दिस फॉर ओनली 100 रुपीज। ये सिर्फ मुझे 100 रुपीज में मिला है, विच इज एक्चुअली वेरी लाइट वेट, मीन्स ये इतना हेवी नहीं है और बहुत क्लासी लगता है। अगर आप डीप वीनेक का कुछ पहन रहे हो उसके साथ अगर आप ट्राई कर रहे हो, इट वुड रियली बी वेरी ब्यूटिफुल। ये बहुत खूबसूरत दिखने वाला है। ऐसी मैं आपको कोई लुक क्रिएट करूंगी तब मैं आपको ये दिखाने वाली हूँ। ये लिटरली बहुत खूबसूरत लग रहा था और एक्चुअल में ये बहुत लाइट वेट है, मीन्स इसका मतलब ये आपको लग रहा होगा ये लंबा है, बट ये लंबा नहीं, लंबा तो है बट इसमें वेट कुछ भी नहीं है। मीन्स जो पत्रा बोलते हैं ना टिन, वो आई थिंक यूज हुआ है। और इसमें देखिए ये छोटे छोटे मिरर वर्क भी लगे हुए हैं, मीन्स इसकी डिटेलिंग बहुत अच्छी की गई थी, दैट्स वाई आई टुक दिस। इट वॉज आई थिंक ₹100 और सो। तो येस आई गॉट दिस। देन आई गॉट दिस। ये बहुत अच्छा बंजारा लुक अगर आपको क्रिएट करना हो तो ये बहुत अच्छा जाएगा। सी ये बहुत खूबसूरत लग रहा था मुझे। 3 लेयर्स में है और कॉइन टाइप की जो थिंग होती है ना वो लगी हुई है। बहुत अच्छी डिटेलिंग की हुई है, मीन्स बहुत अच्छा डिटेल किया हुआ है इसके ऊपर। आई गॉट दिस फॉर आई थिंक 250 रुपीज़, बट इट इज़ क्वाइट अफोर्डेबल। और इसका मटेरियल बहुत हैवी है, क्लासी है। आप अगर कोई कुर्ता पहन रहे हो उसके मतलब टॉप बटन का कुर्ता पहन रहे हो वाइट कलर के, उसके साथ बहुत अच्छा लगने वाला है ये। सो येस, दिस वॉज माई थर्ड परचेज। देन आई गॉट दिस। आई थिंक ये मुझे मिला था 100 रुपीज। आई गॉट दिस फॉर 100 रुपीज, पेयर ऑफ टू। मुझे बहुत अच्छे लगे थे ये वाले कड़े। आई गॉट टू। मैं इसका 2 पेयर लेके आई हूँ। अगर आप इसको कोई भी मीन्स सिल्वर वाइट कलर की कुर्ती पहन रहे हो ना, तो उसके साथ ऑक्सीडाइज ज्वेलरी पहनना बहुत खूबसूरत लगता है। इसके बीच में आप सिल्वर के जो बैंगल्स होते हैं ना, प्लेन बैंगल्स इसके साथ मैचिंग में, तो वो आप लगा के पहन सकते हो। थोड़ा ब्रॉड होगा ना, मीन्स बहुत खूबसूरत लगेगा। सी इसमें जो घुंघरू लगे हुए हैं ना, वो मुझे बहुत पसंद आए थे, दैट्स व्हाई आई टुक दिस। आई गॉट 2 पेयर्स। 100 का मुझे 1 पेयर मिला था, आई थिंक 200 रुपीज का। मैंने बहुत सारी चीज़ें एक ही शॉप से ली थी तो इस वजह से उन्होंने मुझे कुछ कंसेशन भी किया था, बट राइट नाउ आई डोंट रिमेंबर देम। सो येस, ये मेरा फोर्थ परचेज था। एंड सी, आप एक हाथ में भी पहन रहे हो ना तो बहुत खूबसूरत लगता है। मैंने अभी वो तोड़ा नहीं है, बट सी कितना खूबसूरत लग रहा है। तो इस तरह का अगर आपको कहीं कुछ मिले तो आप ले सकते हो। सो ये मैं भी उतारने वाले नहीं हूँ, लेट्स कीप दिस। ओके, नाउ नेक्स्ट परचेज इज दिस ब्यूटिफुल ब्रेसलेट। इसके ऊपर ना मीन्स वो बीड्स का जो वर्क होता है ना, वो किया गया है। आप देखो बहुत, और ये जो लटकन है ना, फॉर दिस रीजन आई बॉट दिस। अब बहुत खूबसूरत लगता है। सी एंड आई थिंक दिस ऑल्सो आई गॉट फॉर ₹150 और सो, विच इज क्वाइट अफोर्डेबल। मीन्स 150 रुपीज में इफ यू आर गेटिंग दिस काइंड ऑफ क्वालिटी, इट्स वर्थ इट। आई थिंक ये बहुत खूबसूरत लग रहा था। सी ये लिटरली मुझे बहुत पसंद आया था बिकॉज ऑफ दिस। सो येस आई गॉट दिस। नेक्स्ट
मैंने मीन्स ज्वेलरी का मैंने बहुत सारे मैंने देखे हुए थे, बट मैं उस परचेज से मतलब उस रीजन से नहीं गई थी वहां पे देखने के लिए. मैं मुझे बस पसंद आ रहे थे तो मैं ले रही थी. मुझे एक दो शॉप में कलेक्शन बहुत अच्छे लगे थे, बट ऑन दी अदर हैंड मीन्स मैं ये भी सोच रही थी कि मैं इसको अभी कहाँ पहनने वाली हूँ, बिकॉज मैं ले रही थी और मैं सोच रही थी कि मैं इसको किस तरह से डिजाइन करूंगी या स्टाइल करूंगी, तो मैं उस तरीके से भी सोच के ले रही थी. देन मैं थोड़ा आगे जाने के बाद एक कच्छी का स्टॉल लगा हुआ था. कच्छी मीन्स जो कच्छ साइड के जो होते हैं जो काथा वर्क और जो जूट के बैग्स वगैरह बनाते हैं, जिसके ऊपर वो क्या बोलते हैं उसको, शंख वगैरह लगे रहते हैं ना, शेल्स वगैरह लगे रहते हैं, तो उस तरह की वो चीजें वहां पर, विच वॉज क्वाइट अट्रैक्टिव. मीन्स वहां पर बहुत रश था, तो आई वॉज थिंकिंग कि वहां पर इतना रश क्यों है. सो देन मैं वहां पर गई, बस ऐसे ही देखा, बट आई थिंक मीन्स वो बहुत खूबसूरत लग रहा था. सो आई गॉट 3 वॉलेट्स, वॉलेट नहीं बोल सकते बट छोटे छोटे पाउचेस हैं, बट इट वॉज रियली वेरी ब्यूटिफुल. मैं आपको दिखाती हूँ. सो सी दिस वन, आई गॉट दिस. इसके ऊपर पूरा डायमंड का वर्क किया गया है और ये पूरा शेल्स है, पर्ल वर्क का काम किया गया है. सी अगर कैमरे में आपको दिख रहा होगा, इसका वर्क इतना फाइन वर्क है मींस. और इसको ना आप साड़ी अगर पहन रहे हो तो आप साइड में टक इन कर सकते हो, और ये बहुत अच्छा लग रहा था. मींस आई गॉट दिस आई थिंक फॉर 450 और सो, 450 या 500 के आसपास मुझे मिला था. मींस इट वाज रियली वेरी गुड. मींस पेइंग दिस फॉर 500 मींस बहुत अच्छा था. मींस ये इसका जो डिटेल्स है ना, जो वर्क किया गया है उसके हिसाब से 500 इज गुड इनफ. सो दिस नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट आई गॉट दिस. छोटा सा पोटली स्टाइल में है बट इसकी जो डिजाइन है ना, मैंने उस वजह से लिया. यहाँ पे छोटे से डिटेलिंग की गई है, थ्रेड वर्क है, इसको काथा वर्क भी बोलते हैं यहाँ पे कच्छी वर्क में. यहाँ पे छोटे छोटे पर्ल्स लगे हुए हैं, इस साइड में भी वर्क है, बट द यहाँ पे आप पाउच फोन रख सकते हो. मीन्स फोन रख सकते हो, जो पहले टाइम में जो होते थे ना तो इतने इतने फोन आते थे, तो वो आप यहाँ पे अच्छे से रख सकते हो. एंड देन मेन पार्ट इज, अगर आप इसको ओपन कर रहे हो तो यहाँ पे एक जिप दिया हुआ है, यहाँ पे आप अपने सारे पैसे वगैरह रख सकते हो. सो मुझे ये थोड़ा अलग काइंड का, थोड़ा अलग दिखा. इट वॉज लिटरली मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, और इसका डिजाइन जो था ना मुझे थोड़ा अलग लग रहा था, इस वजह से मैंने इसको परचेज किया था. सी अगर आप बांधनी स्टाइल में कोई साड़ी ले रहे हो, मैंने वहां से 2 बांधनी साड़ी ली थी, वो मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ. उसके ऊपर ना मीन्स ये बहुत अच्छा जा रहा था. सो देन आई थॉट कि मैं इसको ले, पहले मैंने इसको नहीं परचेज किया था, बट जब मैंने साड़ी ले ली देन आई थॉट कि ये उसके साथ मैच होगा. सो देन आई बॉट दिस. सी इसकी बहुत अच्छी क्वालिटी, बहुत अच्छा है, प्योर कॉटन मटेरियल में, अंदर फोम है, आई थिंक फोम अंदर भरे हुए हैं, तो इस वजह से इसकी जो स्टर्डीनेस है ना मीन्स बहुत अच्छा, इसको फिनिशिंग इसकी बहुत अच्छी की गई है. सो यस, और ये मेरा थर्ड परचेज है. ये एक बोहो काइंड ऑफ फीलिंग देता है, मीन्स अगर आप बीच पे जा रहे हो तो इस तरह का. इसमें ना एक्चुअली मैं स्लिंग बैग ढूंढ रही थी, बट स्लिंग बैग मुझे नहीं मिला. सो बट इवेंचुअली आई टुक, मैंने कहा अगर स्लिंग बैग मुझे बनाना हो तो मैं बाद में इसको बना सकती हूँ, यहाँ पे एक स्ट्रिंग ऐड करके. और इसमें एक फॉल्ट था, मतलब मैंने बाद में नहीं देखा था, मैं जब घर पे आ गई ना मीन्स वहाँ पे इतना रश था कि मैं उतना ध्यान नहीं दे रही थी. पर यहाँ पे ये बैच लगा ना, ये रियल मिरर वर्क है और ये साइड पे नहीं था, मुझे लगा ये कहीं गिर गया है. बट फिर आई थॉट कि ठीक है ले लेते हैं, और फिर मैं जब बाद में उनको बोलने गई, वो बोले ठीक है भैया मैं कम कर दूंगा, तुम कुछ और पसंद कर लो. बट आई थॉट लेट इट बी, मुझे पसंद आ रहा था इस वजह से मैंने इसको रख लिया. आई थिंक आई गॉट दिस फॉर 100 और 150. आई गॉट दिस फॉर 150 एंड आई गॉट दिस फॉर 120 और सो, 120 हाँ, और ये आई गॉट फॉर 500. सो यस, ये 3 पर्सेस हमने लिए थे. फिर थोड़ा आगे हम गए तो आई गॉट दिस. ये क्रंचेज है जो बाल में भी लगा सकते हो, और अभी ना हाथ में भी पहनने के स्टाइल चल रहा है, सो आई यू कैन यूज इट आइदर वेज. और इसकी क्वालिटी लिटरली बहुत अच्छी है. आई गॉट 12, आई थिंक 200 के मुझे 12 पड़े थे, तो विच इज क्वाइट गुड. मीन्स इसमें 12 शेड्स हैं, बट
एक क्या प्रॉब्लम है, इसमें ब्लैक ही नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट छोड़ के आपको सभी कलर्स मिल रहे हैं। तो मैंने ले तो लिया, फिर बाद में आई थॉट कि अरे यार इसमें ब्लैक व्हाइट ही नहीं है। तो यस, पर इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। मीन्स इसमें ना वो साटिन की जो मटेरियल होती है ना वो यूज़ की गई है। मीन्स इसकी फिनिशिंग और क्वालिटी मीन्स बहुत अच्छी है। आई थिंक मैंने फ्लिपकार्ट पे भी देखा था 350 सॉरी मैंने फ्लिपकार्ट पे भी ये देखा था, आई थिंक 350 के मुझे पड़ रहे थे सेट ऑफ 10 और 12, मुझे अभी अच्छे से याद नहीं है, बट येस हाँ मुझे इतने में ही पड़ा, बट मुझे यहाँ पे 200 रुपीज़ में पड़ा विच इज़ क्वाइट गुड डील। तो मैंने ये एक सेट लिया था। फिर मुझे बांधने का कुछ कलेक्शन चाहिए था बिकॉज आई एम इन टू फैशन। मीन्स अभी मेरा खुद का मैं बिजनेस चला रही हूँ, तो कपड़े को लेके मैं लिटरली बहुत रिसर्च करती हूँ, देखती हूँ कौन से मटेरियल में क्या जाएगा, क्या अच्छा लगेगा, क्या नहीं लगेगा। सो दैट्स वाई मैंने बहुत सारे शॉप्स देखे थे। फिर फाइनली मुझे बांधने का एक ये बहुत पसंद आया था, मैं आपको खोल के बताती हूँ। सो ये मुझे बांधने का बहुत अच्छा साड़ी लग रहा था, तो मैंने ये लिया है। आई थिंक आई गॉट दिस फॉर 1500। और ये सेम साड़ी मैंने अमेजोन पे भी देखा था, सेम नहीं था, मीन्स कलर कॉम्बिनेशन सेम था, बट मतलब जो डिजाइन था ना वो थोड़ा डिफरेंट था। आई थिंक दैट वॉज फॉर 2500 और 2700। मुझे अगर लिंक मिलता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में मैंशन कर दूंगी, बट इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, मीन्स बहुत अच्छी है। इसका जो गोल्डन वर्क किया है ना, इसकी फिनिशिंग भी बहुत अच्छी लग रही थी। सो ये मुझे मिला था आई थिंक 1500 में। तो मैंने दो लिया था, तो इस वजह से मैं अभी ओपन करके नहीं दिखा, अगर मैं जो स्टाइल करूँगी ना तब मैं आपको दिखाने वाली हूँ। ये ये इसका पल्लू है रेड, तो ये बहुत अच्छा मीन्स कॉम्बिनेशन लग रहा था मुझे। और अभी फेस्टिव सीजन भी आ रहा है, तीज वगैरह के लिए भी, तीज भी आ रहा है, सो आई थॉट ये लेना बहुत सही रहेगा। So I got this साड़ी। और फिर मैंने दूसरा ये कलर लिया है, ये बहुत मतलब यूनिक कलर मुझे लगा। आई थिंक मैंने ये कलर अभी तक नहीं पहना था, सो आई गॉट दिस वन। दिस इज इन डार्क ग्रीन और ये डार्क पिंक कलर का है, और इसके ऊपर जो ये व्हाइट का प्रिंट है ना, इसको बाटिक बंदेज बोलते हैं, तो ये बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, तो ये मैंने लिया था। इसके ऊपर ना मीन्स वो जो हाथी घोड़े वो जो वो बने हुए थे, और ये पूरा गोल्ड जरी वर्क किया हुआ है, ये कोई प्रिंट नहीं है, ये फुल जरी वर्क का काम किया हुआ है। दिस ऑल्सो आई गॉट फॉर ₹1500। दोनों मिला के कुछ हुए थे 3000 और समथिंग हुए थे। तो मैं इसको जब स्टाइल करूंगी तब मैं आपको बताऊंगी कि ये कैसा दिख रहा है। इसका पल्लू वगैरह बहुत खूबसूरत है, मीन्स मैं आपको दिखाती हूँ एक। सो ये इसका पल्लू है, ये बहुत बहुत अच्छा लुक दे रहा था, मीन्स बहुत खूबसूरत लग रहा था। सो आई गॉट दिस, बहुत अच्छा कलर लग रहा था। सो और गिफ्टिंग पर्पज़ के लिए भी बहुत अच्छा है, इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। एंड आई ऑल्सो गॉट दिस फॉर आशी, ये बहुत अच्छी सी क्लिप्स थी, छोटी छोटी से। आई गॉट दिस फॉर ₹10 only, मीन्स बहुत अच्छा लग रहा था, मीन्स ₹10 में गेटिंग दिस इज मीन्स बिग डील, बहुत अच्छा डील था ये, मुझे ₹10 में मिला। एंड देन आई गॉट दिस वन ऑल्सो, आई गॉट दिस फॉर ₹20। अगर आप बड़े शोरूम में या ऐसे जा रहे हो तो आपको ₹50 पैर से कम नहीं मिलने वाला है। सो आई गॉट दिस ऑल्सो फॉर आशी एंड शी वॉज रियली वेरी हैप्पी, क्योंकि उसको ना ऐसी छोटी छोटी चीजें वो रहने तो वाला है नहीं ज्यादा देर, बट येस उसको पसंद आया था, उसको बहुत पसंद आया था ये। सो येस वी गॉट दिस। एंड लास्टली आई गॉट दिस वेरी ब्यूटिफुल जूती, दिस वन सी, ये कितना क्लासी पीस लग रहा था, मीन्स पहनने के बाद मुझे, पहले मैंने कुछ और पसंद किया था बट इवेंचुअली मुझे ये दिख गया। मैंने आपको हॉल भी बताया था कि मैंने वहाँ पे मुझे एक और पसंद आया था तो मैं वो लेना चाह रही, बट उसमें मुझे साइजेस नहीं मिले। देन मुझे ये दिखा था और ये लिटरली मुझे इतना बहुत क्लासी पीस लग रहा था, मीन्स इसके ऊपर जो रोज गोल्ड का जो वर्क किया गया है ना उस वजह से मुझे ये बहुत पसंद आया था। सो आई गॉट दिस फॉर आई थिंक 200 रुपीज, मीन्स बहुत अच्छी डील थी, तो मैंने बस ले लिया था। और पेइंग दिस फॉर 200 मीन्स इसका क्वालिटी आप देखो, अगर आपको दिख रहा हो तो, मीन्स मैं पास से दिखाती हूँ,
मीन्स इसकी क्वालिटी की वजह से ही मैंने लिया था. मीन्स 250 रुपीज़ में ये मुझे बहुत अच्छा डील मिल रहा था. सो मैंने बिना सोचे समझे बस ले लिया था. इसके पीछे में ना एक बहुत अच्छा सा वाइट कलर का मतलब ये स्ट्रैप दिए हुए थे ना, ये जो फिनिशिंग थी ना उस वजह से मुझे ये बहुत पसंद आ रहा था. सो येस आई गॉट दिस लास्टली. और फिर मुझे मैंने एक और भी पसंद किया था, वो हील में थे, फ्लैट्स में नहीं थे, तो फिर मैंने उसको छोड़ दिया था एंड आई फाइनली टुक दिस. सो येस ये मेरा लास्ट परचेज था, दैट्स इट. तो अगर आपको आज का मेरा चॉइस और मेरे परचेज अच्छे लगे होंगे और आप अगर जामनगर आ रहे हो तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड आप एक बार ज़रूर दरबारगढ़ जाना. मतलब आपको थोड़ा सर्च करना पड़ेगा पिक करने में, क्योंकि वहाँ पे इतनी सारी शॉप्स हैं और कुछ चीज़ें आपको लगेंगी कि सिमिलर ही है, मीन्स जो मैं वहाँ देख रही हूँ वहाँ पे, बट दोनों का जब आप सामने से जाओगे ना तो क्वालिटी एक्चुअल में डिफरेंस होगी, दोनों में डिफरेंस होगा, थोड़ा बहुत तो डिफरेंस होगा ही. तो इस वजह से मीन्स आपको थोड़ा सर्च करना पड़ेगा. सो येस आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कौन सी चीज़ बहुत पसंद आई. और अगर आप डेफिनेटली जामनगर आ रहे हो तो दरबारगढ़ जरूर जाना, तो वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे आपको, मैंने तो इतने ही लिए थे क्योंकि मैं कोई प्लान करके नहीं गई थी वहाँ पे कि मुझे ये लेना है ये लेना है, बस मुझे अच्छे लग रहे थे तो मैं मम्मी से एक सेकेंड ओपिनियन ले रही थी कि मम्मा ये सही रहेगा या नहीं. तो अभी वैसे भी बहुत सारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं, जन्माष्टमी है, फिर हमारा तीज आने वाला है, तो बहुत ऐसे हैं तो मैं उसमें लुक क्रिएट कर सकती हूँ. सो इसलिए मैंने इतने सारे ले लिए, मीन्स ये सडन था, कुछ ऐसा प्लान नहीं था. सो येस आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको कौन सा बहुत अच्छा लगा, कौन सा सबसे ज़्यादा पसंद आया. एंड येस दैट्स इट फॉर टुडे. इफ यू लाइक सो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, दैट इज चेतना अजय कुमार. बाय बाय एंड डू सब्सक्राइब. आप देख ले रहे हैं, लाइक कर रहे हो बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, सो डू सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच. बाय बाय.